वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आपकी नेट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं ये वीडियो लेके आई हूँ वेमेन स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए। टॉपिक है हमारा ब्लैक फेमिनिस्ट। चलिए अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लैक फेमिनिस्ट है क्या? ये लेटेस्ट टॉपिक है, मतलब बहुत पुराना ये स्टडी नहीं है और इसके बारे में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है क्या ब्लैक फेमिनिस्ट? पहले ये क्या है? ये देखिए, ये कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है, राइटिंग्स हैं, आर्ट है, जो स्टैंड पॉइंट बताती है। किसका स्टैंड पॉइंट बताते हैं? ये ब्लैक वीमेन ऑफ अफ्रीका डायस्पोरा, उनका जो व्यू पॉइंट है, उनका जो स्टैंड पॉइंट बताते हैं। ये स्टैंड पॉइंट थ्योरी का ही एक पार्ट है। स्टैंड पॉइंट थ्योरी क्या कहती है? कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का व्यू पॉइंट क्या है, उस हिसाब से हमें देखना है। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ब्लैक वीमेन ऑफ अफ्रीका, उनका व्यू पॉइंट है। देखिए, यूएसए में ब्लैक वीमेन सब कुछ रहते थे, ठीक है, यूएसए के सोशल रिलेशन में ये सब कुछ लोग थे। लेकिन जो वीमेन, ब्लैक वीमेन को हैं, वो जो ओप्रेस ग्रुप था, तो उनके व्यू पॉइंट से इस चीज़ को हमने देखा है। देखिए, तो ये क्या एज अ स्टैंड पॉइंट थ्योरी ये क्या कहती है? ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट कंसेप्चुलाइजेस आइडेंटिटीज़ एज ऑर्गेनिक, फ्लूइड, इंटरडिपेंडेंट, मल्टीपल एंड डायनेमिक सोशली कंस्ट्रक्टेड लोकेशंस विद इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट इज ग्राउंडेड इन ब्लैक वीमेन्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस विद इंस्लेवमेंट, एंटी लिंचिंग मूवमेंट्स, सेग्रीगेशन, सिविल राइट एंड ब्लैक पावर मूवमेंट्स, सेक्शुअल पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की। ये देखिए, ब्लैक फेमिनिस्ट ने किन पॉइंट को लिया है? जो ब्लैक वीमेन को इंस्लेवमेंट, स्लेव थे वो, उनके लिए एंटी लिंचिंग मूवमेंट थी, सेग्रीगेशन, सिविल राइट्स नहीं थे, ब्लैक पावर आने के लिए क्या मूवमेंट हुई, सोशल पॉलिटिक्स क्या था, कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की, ये सारी चीज़ों को ये कवर करता है, ठीक है। तो मेन देखिए बिलीव्स क्या हैं इनके, क्या ये देखिए हम उसको स्टडी करते हैं। जो ये ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट क्या इंक्लूड करते हैं, देखिए ये इंक्लूड करते हैं द बिलीव दैट सेल्फ ऑथरशिप एंड लेजिटिमाइजेशन ऑफ पार्शियल सब्जुगेटेड नॉलेज रिप्रेजेंट्स अ यूनिक एंड डाइवर्स स्टैंड पॉइंट ऑफ एंड बाय ब्लैक वुमेन। लेकिन मतलब क्या है, ब्लैक वुमेन का पॉइंट और ब्लैक वुमेन के लिए, उनके लिए क्या, देखिए उनके लिए सेल्फ ऑथरशिप लीगल हो, उनके राइट्स, उनकी नॉलेज लीगल हो, ये सब कुछ। दूसरा पॉइंट कहता है ब्लैक वुमेन्स एक्सपीरियंस विद मल्टीपल ऑपरेशंस, जो मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं उनके, वो देखिए एक तो इसमें आ जाता है कि ब्लैक ही कम्युनिटी है उसमें मेल और फीमेल की जो ऑपरेशन है वो हो गई है। एक रेस के बेसिस पे ऑपरेशन हो गया कि ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इन इस तरह की चीज़ों को कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशन। थर्ड पॉइंट आ गया, ब्लैक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस इज एन ओवर इवॉल्विंग कंसेप्ट। ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट डेमोन्स्ट्रेट्स ब्लैक वेमेन्स इमर्जिंग पावर एज एजेंट ऑफ नॉलेज। तो ये किसको सपोर्ट करती हैं? ये ब्लैक वेमेन की इमर्जिंग पावर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाय पोर्ट्रेइंग अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन एज सेल्फ डिफाइंड, सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल कन्फ्रंटिंग रेस, जेंडर एंड क्लास ऑपरेशन, ठीक है। ये अभी हमने स्टडी किया है जो मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस क्या हैं? देखिए इनके साथ क्या मल्टीपल ऑपरेशन था, ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड क्लास ऑपरेशन, ये सब इनके साथ हो रहा था। तो ब्लैक फेमिनिज्म मेनली ये चीज़ें कवर करता है। अब हम देखते हैं कि किसने ये शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले ये जो टर्म है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, इन्होंने ये शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दो मेन इंटरप्रटेशंस दिए हैं ओप्रेस ग्रुप के लिए क्या है। फर्स्ट क्लेम क्या है, दैट दोज हु आर बीइंग ओप्रेस्ड आइडेंटिफाई विद डोमिनेंट ग्रुप्स एंड देयरफॉर हैव नो इफेक्टिव सेल्फ गवर्निंग इंटरप्रटेशन ऑफ देयर ओन ऑपरेशन, ठीक है, कि वो ऑप्रेस हो रहे हैं कि उनके पास अपनी इंटरप्रटेशन भी नहीं है ऑपरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा पॉइंट एज्यूम करता है कि सबॉर्डिनेट्स आर लेस ह्यूमन देन दोज अबव देम, मेकिंग देम लेस कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस,
While black women may have common experiences, this does not imply that black women have developed the same thought as the another, right? कि उनके उनको less capable, उनकी understanding की और speaking की जो capability है उसको less माना जाता है क्योंकि वो subordinate group है, ठीक है। और एक यहाँ पे important नाम है टीना कैंप। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टैंड पॉइंट थ्योरी टू एग्जामिन द नैरेटिव्स ऑफ एफ्रो जर्मन्स इन हर बुक अदर जर्मन्स। इन्होंने भी ये स्टैंड पॉइंट थ्योरी में करा था। तो जो ब्लैक फेमिनिस्ट थ्योरी है बेटा, मेन वो स्टैंड पॉइंट थ्योरी का ही पॉइंट है, ठीक है। इसमें जो फेमस नाम है आपको उनको याद रखना है, ये पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, किसने दिया था और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ओके। तो ब्लैक फेमिनिस्ट की इतनी नॉलेज बहुत है, इसी बेसिस पे आपके जो प्रीवियस ईयर में अब तक क्वेश्चन आए हैं, जो जिस टाइप का क्वेश्चंस नेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके इस नॉलेज से कवर हो जाएंगे,